आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय भी लिए गए। रेलवे और शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है, मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1,096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1,080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी कुल मिलाकर द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी और उसको जोड़ेगी और यहां पर नई संभावनाओं को पैदा करेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से जहां एक और माल भाड़े की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी इस डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा। पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को लाभ मिलेगा और ये तय किया गया है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए पीएम पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। गरीब छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहले लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लिए गए हैं, आज कुछ और निर्णय हुए हैं और हम सबके बीच में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके आज के निर्णयों पर विस्तार में बात करें। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिक्षा से जुड़ी हुई इन दोनों ही निर्णयों पर आपको विस्तार में जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग जी। आप सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान और समय समय पर कैबिनेट के लिए हुए निर्णय के अनुसार निर्यात को एक विशेष फोकस मोदी सरकार ने दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी छलांग एक्सपोर्ट में लगाने का हम सबको मार्गदर्शन दिया है, प्रोत्साहन दिया है, और एक बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए आज पूरे देश में निर्यातक, सभी उत्पादक, जितने हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार, सब मिलके एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको खुशी होगी और देश का गर्व बढ़ेगा ये सुन के 21 सितंबर तक, पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो देश से $185 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है और ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पहले 6 महीने के अंदर आज तक हुआ है और अब तो 10 दिन बाकी भी हैं। ऐसी परिस्थिति में एक्सपोर्ट को जब, खासतौर पे जब छोटे निर्यातक एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका एक इंश्योरेंस कवर भी हो, उनको एक गारंटी हो कि खुदा ना खास्ता कभी पेमेंट ना आए, पेमेंट आने में तकलीफ हो, डिले हो जाए और या कोई फेलियर हो जाए, ऐसी परिस्थिति में उनको पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की एक कंपनी ECGC देती है। उसमें जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है, या जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स बैंक्स देते हैं उत्पादन के समय उद्योग को, या प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके सामने भी पॉलिसीज इशू करते हैं, उस सब के लिए ECGC एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसको आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, अधिक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। ये 4,400 करोड़ रुपए डालने से लगभग 88,000 करोड़, तो 20 गुना उसके ऊपर हम कवर दे सकते हैं, 88,000 करोड़ की और इंश्योरेंस पॉलिसीज ECGC लिख पाएगा। और उस, और आप जानते हैं पेमेंट 2-3 महीने में आती है, तो लगभग इसका इंपैक्ट 3,00,000 करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स को कवर करने का एक साधन बनेगा और साथ ही साथ ECG की सॉल्वेंसी इंप्रूव करेगा, ECGC को और एक समृद्ध संस्था बनाएगा। ECGC की अगर हम गहराई से देखें तो आज के 97% जो लाभकारी उद्योग हैं, जो लोग पॉलिसीज निकालते हैं, वो MSME सेक्टर से, 97% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर फ्रॉम द MSME सेक्टर। तो सीधा ये जो लाभ है ये MSME को मिलेगा अधिकांश रूप में, और हमारे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सबको और ज्यादा बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने के लिए इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि 500 करोड़ तो तुरंत ही मिल जाएंगे, 500 करोड़ अगले वर्ष में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हम इसके लिस्टिंग का प्रोसेस, स्टॉक एक्सचेंज में ECGC को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। फिर आगे चल के लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही, जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट इसको वैल्यू करेगी और हम और फंड्स रेज कर पाएंगे। लगभग 20 वर्षों से ये कंपनी ECGC सरप्लसेस दे रही है, पिछले 3 वर्षों से तो प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है, डिविडेंड रेगुलरली देती है, तो एक अच्छी कंपनी है, और इसको और बड़ा बनाना और हमारे निर्यातकों की सेवा कर पाए उसके लिए इसको और मजबूत बनाने का काम आज का निर्णय करेगा। साथ ही साथ एक और निर्णय आज के दिन लिया गया है जो NEIA ट्रस्ट के संबंध में है। NEIA ट्रस्ट एक जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने का ट्रस्ट है,
उसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ये ट्रस्ट है, और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। इससे लगभग फिर 20 गुना गिने तो 33,000 करोड़ तक हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इसके माध्यम से इंश्योरेंस दे पाएंगे, कवर दे पाएंगे। और ये 33,000 करोड़ का जब प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा तो प्रोजेक्ट वैल्यू तो लगभग 33,000 करोड़ होगी, लेकिन साथ ही साथ सीधा भारत के उत्पादन को लगभग 22-23,000 करोड़ का एडिशनल डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट फाइनेंस हम फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस को विदेश में, अफ्रीका में, कुछ लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो जो प्रोजेक्ट्स को हम फंडिंग करते हैं उनमें 75% लगभग भारत में बना हुआ उत्पादन इस्तेमाल होता है। तो एक प्रकार से भारत के उद्योग को, और उसमें भी स्वाभाविक तौर से एमएसएमई को सबसे ज्यादा लाभ होता ही है, उनको और बल मिलेगा, उनका सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट होगा। ये निर्णय भी आज लिया गया है। इसके नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को एक ट्रस्ट चलाते हैं, एनईआईए ट्रस्ट, उसमें 1650 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया गया। तो ये तीन निर्णय, 4400 करोड़ ईसीजीसी में कैपिटल, 1650 करोड़ एनईआईए ट्रस्ट में कैपिटल, और ईसीजीसी को लिस्ट करना, एक प्रकार से जो निर्यात के संबंध में इंश्योरेंस की दुनिया है इसको मजबूत बनाएगी और हमारे निर्यातकों को और साहस देगी कि वो एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सके। वास्तव में अगर हम पिछले वर्ष का देखें तो एक कड़ी में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अनाउंस किया कि 56,000 करोड़ जितने भी पुराने ओवरड्यूज हैं, एमईआईएस के हों, एससीआईएस सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो, चाहे वो रॉटेप हो, ROSCTL हो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस देते हैं, इन सब ड्यूज को इसी वित्तीय वर्ष में पूरी तरीके से हमारे निर्यातकों को दे दिया जाएगा, सीधा 56,000 करोड़ कैश फ्लो में। और उसमें भी अगर आप देखें तो अधिकांश एमएसएमई को उसका लाभ मिलता है, साथ ही साथ उसमें किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, खादी, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सब एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग के साथ जुड़े हुई चीज़ें या किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े रूप में जाएंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत को भी जो तेज गति से प्रधानमंत्री मोदी जी मेहनत कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द तेज गति दें अर्थव्यवस्था को, उसमें देश सफल होगा, उसमें निर्यात का एक बड़ा योगदान रहेगा। आप जानते हैं कि ROSCTL के रेट्स 2024 तक निर्धारित कर दिए गए हैं, रॉटेप के रेट्स आ गए हैं, उसके भी अभी स्क्रिप्ट देना शुरू हो गया है, उसकी वेबसाइट शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से PLI की स्कीम्स 13 क्षेत्रों में लाई गई हैं जिससे उद्योग में बहुत उत्साह है, बड़े बड़े उद्योग देश में आए और उत्पादन करें, भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिले और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान हो। तो एक लंबी कड़ी अलग अलग निर्णयों की पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पर कोविड काल में एक चुनौती को अवसर में बदलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। मोदी सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में, निर्यात को और प्रोत्साहन देने में लगातार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।